नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि सभी साहित्य प्रेमी दोस्तों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है जय शंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी छोटा जादूगर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है, यहां चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूं, उसने आगे बढ़कर कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे? नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, वहां तो टिकट लगता है, मैंने कहा। तो चलो, मैं वहां पे तुमको ले चलूं, मैंने मन ही मन कहा। भाई, आज के मेरे मित्र तुम ही रहे, उसने कहा। वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए यहां निशाना लगाया जाए, मैंने सहमत होकर कहा। तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए, उसने स्वीकारोक्ति कर दी। मनुष्यों की भीड़ में से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी तो जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं बाबूजी, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवा दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आप मेरा खेल देख लेते और मुझे कुछ दे देते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूं बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में बाबूजी। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना भी पेट भरूं? मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज, उसका कोई गेंद खाली न गया, देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन फिर उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9 तो 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, अच्छा बच्चू, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे आना देखता रहा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। कोलकाता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरी रुमाल सूत की रस्सी से बंधी हुई थी। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी तो हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद गाना बजाना होगा क्या बाबूजी?
नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि श्रीमती जी ने कहा, चलो चलो दिखलाओ, तुम तो अच्छे आए। पहला हुआ कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की मिठास थी जिसके सामने किसी बच्चे को रोका न जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगा। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा और काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले में सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, चलो अब अपना खेल बटोरो, अब हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा जरा ये तो बताओ, तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह मैं कितना स्वार्थी हूं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। अस्ताचल गामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों पर विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण हो जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डाला और उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज रहे थे। मैंने देखा, उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक छोटे कपड़े पर जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मना रहा था, ब्याह की तैयारी थी। ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रोए रो रहे हों। मैंने आश्चर्य से देखा। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ से मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपना अपमान अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में से मामा पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध खड़ा था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। धन्यवाद दोस्तों।